आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला है कि इन चारों स्टेटमेंट में से जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताएं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। तो क्या बोला है, ये जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो प्रोजेनी का है उनका सेक्स किस पे डिपेंड होता है, उनके टाइप ऑफ स्पर्म पे रादर देन एग। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। ह्यूमन मेल्स जो होते हैं उनका जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें से एक छोटा होता है और एक बड़ा। तो ये जो है ये हमारा सही है स्टेटमेंट। तीसरा ऑप्शन है हमारा, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक। ये भी हमारा सही है, जो मेल फ्रूट फ्लाई होते हैं वो हमारे हेट्रोगैमेटिक होते हैं। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है हमारा, मेल ग्रास होपर्स 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। ये भी हमारा सही है। तो हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर क्या है हमारा, जो आंसर है वो है हमारा ये, क्योंकि हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या होता है, जो हमारी बर्ड्स होती हैं उनमें जो सेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एग पे डिपेंड करता है। कैसे, कि ये हमारा मेल स्पर्म है तो बर्ड्स में क्या होता है, ए प्लस जी टाइप क्या देता है हमें 100%, लेकिन ठीक है जो फीमेल के एग्स हैं वो क्या होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, ए प्लस जी, ए प्लस डब्ल्यू। तो ये होता है 50% और ये होता है 50%। तो बर्ड्स में क्या होता है, जो उनकी प्रोजेनी का सेक्स है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो उनके एग्स पे डिपेंडेंट होता है रादर देन स्पर्म। तो हमारा सही आंसर है ये, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।